नमस्कार, स्वागत है आपका डी मैग्नम में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, मगर जब बात आती है तो एक चर्चा आम हो जाती है कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में बेस्ट सीएम कौन है। क्या अखिलेश यादव कोई करिश्मा कर पाएंगे या फिर योगी सरकार अपनी जीत दोहराएगी, ये तो हमें 2022 के इलेक्शन में ही पता चलेगा। मगर जब बात हो उत्तर प्रदेश के विकास की तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में बेस्ट सीएम कौन है। योगी सरकार को 4 साल होने वाले हैं और कुछ ही टाइम में 2022 के इलेक्शन आ जाएंगे, तो अब देखना ये होगा कि इस बार जीत का परचम कौन लहराता है। अखिलेश यादव ने सीएम की कुर्सी संभालते ही 2012 के चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करना शुरू कर दिया था। अखिलेश यादव के नेतृत्व में मुफ्त लैपटॉप, कन्या विद्याधन योजना के तहत कक्षा 12 पास लड़कियों को उच्च अध्ययन के लिए 30,000 रुपये दिए गए थे। लखनऊ मेट्रो और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी विकास योजनाओं पर काफी प्रगति के साथ राज्य की राजधानी का दर्जा देने के लिए विशेष ध्यान दिया गया था। ग्रेटर नोएडा के बीच जल्द ही एक नया मेट्रो रेल नेटवर्क विकसित किया जाएगा। राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए समाजवादी पार्टी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लगातार काम कर रही है। ये देश का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे होगा। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और लखनऊ को जोड़ने वाला समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आजमगढ़ बलिया समाजवादी राजमार्ग का भी निर्माण किया जा रहा है। अखिलेश यादव ने यूपी में यूपी 100 पुलिस सेवा और 108 एम्बुलेंस फ्री सेवा शुरू की। उनके कार्यकाल में लखनऊ मेट्रो रेल, लखनऊ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जैनेश्वर मिश्रा पार्क जो कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, लखनऊ बलिया समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदि का निर्माण किया था। इन्होंने कार्यकाल में प्रदेश में युवकों को बड़ी मात्रा में लैपटॉप प्रदान किए थे। अखिलेश यादव की क्लीन यूपी ग्रीन यूपी के पहल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना स्थान दर्ज कराया है। अखिलेश यादव ने विशेष रूप से लखनऊ मेट्रो, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, मेदांता अस्पताल, एचसीएल आईटी सेक्टर, उद्योगी केंद्रों की शुरुआत के साथ बुनियादी ढांचे में विकास पर ध्यान दिया था। तो अब देखना ये होगा कि इन सभी योजनाओं के चलते 2022 में अखिलेश यादव की वापसी होती है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ डी मैग्नम पर।